रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, हम रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें हम कुछ क्वेश्चन जो पहले कर चुके हैं उसमें अपना नॉलेज टेस्ट करेंगे। फोर पॉसिबल ऑप्शंस हैव बीन गिवन, आपने करेक्ट वन को एनसर्कल करना है। इफ द कॉस्ट ऑफ सेवरल ऑब्जेक्ट्स गिवन एंड बाय फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्ट द कॉस्ट ऑफ मेनी ऑब्जेक्ट इज कैलकुलेटेड, देन दिस मेथड इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड, डायरेक्ट प्रोपोर्शन मेथड, इनवर्स प्रोपोर्शन मेथड और रेशियो। तो प्यारे बच्चों, वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें। हमने देखा था कि अगर एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू मालूम कर लें तो बहुत सों की कर सकते हैं, तो इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज यूनिटरी मेथड। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन है, रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटी सच दैट इफ वन इंक्रीजेज अदर डिक्रीजेज इज कॉल्ड, जब एक क्वांटिटी इंक्रीज करती है दूसरी डिक्रीज करती है तो इसको इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो उस के हिसाब से जो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगी वो होगी इनवर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि यूनिटरी मेथड की तो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। प्यारे बच्चों, इसी तरह हमारी उम्र भी बढ़ रही है लेकिन ज़िंदगी कम होती जा रही है, ये इनवर्स रिलेशन है। तो क्या हम अल्लाह के दोस्त ना बन जाएं? अल्लाह ताला कहता है जो मेरा दोस्त है अल्लाह का वली है मैं उसे नूर की तरफ ले जाता हूँ। तो दुनिया में दो ही ग्रोह हैं, या तो शैतान के या अल्लाह के दोस्त। अगर आप अल्लाह के दोस्त नहीं बनेंगे तो खुदा ना खास्ता शैतान के दोस्त बन सकते हैं। तो अल्लाह के दोस्त जो होते हैं वो कब्रों को सजदा नहीं करते, वो झूठ नहीं बोलते, वो तावीज़ नहीं पहनते, वो गीबत नहीं करते, वो रिश्वत नहीं लेते देते, वो सफाई और पाकीज़गी का एहतमाम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कैसे हमें पता चलेगा सीधा रास्ता? तो अल्लाह का दोस्त बनना बहुत आसान है, ये काम करना शुरू करें, अल्लाह से दुआ मांगें, कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़ें ताकि आपको समझ आए, रोज़ा रखें, नमाज पाबंदी से अदा करें, हर वक्त याद रखें कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मेरे साथ है, शहरग से भी करीब है, अल्लाह और उसके नबी से मोहब्बत करें और मौत को याद रखें, इस्लामिक स्कॉलर्स की बातें सुने, भलाई की दावत दें, हमेशा सच बोलें, अच्छे कामों में मसरूफ़ रहें, वक्त ज़ाया ना करें, अच्छे लोगों को दोस्त बनाएं। तो प्यारे बच्चों, आज से ऐद करें, इंशाल्लाह अल्लाह का दोस्त बनना है। तो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ 15 पेन इज़ रुपीज़ 105, वट इज़ द कॉस्ट ऑफ वन पेन? तो अगर हमने पहले हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमने यूनिटरी मेथड अप्लाई करना हो तो हम 105 को डिवाइड करेंगे 15 से, तो इसका हमारे पास आ गया 7। तो अब आप वीडियो यहाँ पे देखें, अब आपके लिए आसान हो गया कि इन फोर ऑप्शंस में से आप किसको सिलेक्ट करेंगे। शाबाश, गुड। तो 7 रुपीज़ 7 इज़ द कॉस्ट ऑफ वन पेन, क्योंकि हमने 105 को 15 से डिवाइड किया तो 7 आंसर आया। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए कार ट्रेवल्स 90 किलोमीटर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज नीडेड टू ट्रेवल 180 किलोमीटर? अगर एक कार 90 किलोमीटर 10 लीटर्स में करती है तो उसे 180 किलोमीटर के लिए कितना पेट्रोल चाहिए होगा? तो पहले हम 1 लीटर में देखते हैं कि वो 9 किलोमीटर करती है तो 180 में कितना पेट्रोल चाहिए होगा, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 180 डिवाइडेड बाय 9, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 20। तो करेक्ट ऑप्शन इज 20 लीटर्स, उसे 180 किलोमीटर तय करने के लिए 20 लीटर पेट्रोल चाहिए होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ मेनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम काइंड इज नोन, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स बाय एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अभी हम देख चुके हैं पेन की एग्जांपल के लिए कि हम डिवाइड करते हैं, तो इसके हिसाब से वीडियो यहाँ पे रोकें और आप देखें कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें हम डिवीजन करते हैं, डिवीजन इज द करेक्ट ऑप्शन, ना हम एडिशन करते हैं, ना सब्ट्रैक्शन, ना मल्टीप्लिकेशन, तकसीम करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो, प्रोपोर्शन। आपने देखा कि ए बाय, हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन इज जस्ट अ रेशियो ए बाय बी। तो अगर टू क्वांटिटीज का हमने डिवीजन के साथ
देखना हो रिलेशन, तो उसको हम रेशियो कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि अगर आर रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन द टू क्वांटिटी सच दैट इफ एक इंक्रीज है तो दूसरी भी इंक्रीज कर रही है, और एक अगर डिक्रीज करती है तो दूसरी भी डिक्रीज करती है, तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज करने से डिक्रीज हो रही हो, उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। तो अब वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें, तो इन ऑप्शंस में से हम किसको एनसर्कल करेंगे? शाबाश, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन को एनसर्कल करेंगे, वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है मोर वर्किंग मैन, मोर वर्किंग आवर्स एंड मोर वर्क विल बी डन, लेस वर्किंग आवर्स लेस वर्क विल बी डन। तो व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन ऑफ इट इज, कौन से टाइप का रिलेशन है? वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें। आप देखें कि इसमें दोनों चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, ज़्यादा टाइम में ज़्यादा काम होगा, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले भी देख चुके हैं, जहाँ पे दोनों क्वांटिटीज इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो, तो वो डायरेक्ट रिलेशनशिप कहलाता है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसमें हम देखते हैं कि मोर मैन एट वर्क लेस टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क, व्हाट इज द काइंड ऑफ दिस रिलेशन। आप देख रहे हैं कि मैन एट वर्क इंक्रीज हो रहे हैं, टाइम टू फिनिश इज डिक्रीज, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं? शाबाश, शाबाश, वेरी गुड, आपने सोचा। हम इसको इनवर्स रिलेशन कहते हैं कि एक चीज़ इंक्रीज हो रही है एक डिक्रीज हो रही है, तो ऐसे रिलेशनशिप को इनवर्स प्रोपोर्शन कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा, इसको लाइक और शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें।